Hey guys, welcome back to my channel. तो भाई अभी सुबह के बज रहे हैं 7, हाँ 7 बजने में 2 मिनट बाकी हैं. Currently I'm waiting for my cab. अभी कैब के पास ही जा रहा हूँ, कैब का वेट कर रहा हूँ. Today we are going to the university for one last time. आज हम हो रहे हैं ग्रेजुएट. तो फाइनली मतलब 3 साल की मेहनत और कैब को क्या हो गया. गाइस अब कैब आ गई है, अब 2 मिनट बाद बात करते हैं फिर से. ये सभी मैं 2 मिनट के लिए आया था सामी के घर. अभी मैं सामी घर पे हूँ, फिर यहाँ से हम चलेंगे यूनिवर्सिटी, बिकॉज यहाँ से यूनिवर्सिटी 2 मिनट के रास्ता है बाय वॉकिंग. टू बी ऑनेस्ट मैं थोड़ा ऐसे नर्वस फील कर रहा हूँ, बिकॉज वी लाइक आफ्टर 3 इयर्स वी विल मीट ऑल आवर क्लास. मतलब भाई पूरे क्लास मिलेंगे आज. अब देखते हैं कितने लोग आते हैं. बहुत लोग तो आज ग्रेजुएट नहीं भी हो रहे हैं. यहाँ पे यूरोप में ऐसा इंडिया की तरह नहीं है कि एक फाइनल दिन सारे ग्रेजुएट होते हैं. यहाँ पे आपके ऊपर है, आपका अपना थीसिस डिफेंड करते हो और फिर उसके हिसाब से आप ग्रेजुएट होते हो. तो भाई हम दोनों फाइनली चल पड़े हैं अपने मंजिल की ओर. ऐसे बच्चों लग रहे हैं दोनों कोट पहन के पूरा. दिस इज यूनिवर्सिटी ऑफ रसोफ और अपन को यहीं पे जाना है, हमारी यूनिवर्सिटी है. मतलब थी अब तो नहीं. अब तो गाइस मुझे पता नहीं था कि ओनली मतलब बड़े जो मास्टर्स पीएचडी वाले लोग अलमुना ही बोलते हैं. हम तो भाई बैचलर्स ग्रेजुएट हुए हैं भाई. वैल्यू तो ऐसे भी नहीं थी. कब वैल्यू थी भाई कॉलेज में वैल्यू. तो गाइस अब तो हम ऐसे आ गए हैं यहाँ पे अपने कॉलेज के एरिया में. यहाँ पे सब एकदम कोट टाई सूट वगैरह पहन के आए हैं. फॉर्मल हमसे नहीं होता है, तो अपन से जो होता है भाई लोग फोटो खिंचा रहे हैं उधर देख रहे हो गेट के पास, तो हम भी खिंचाएंगे फोटो, टेंशन मत लो गाइस. तो गाइस ऐसे लोग जा रहे हैं पूरे जो भी बोलते हैं वो ड्रेस वगैरह पहन के. और गाइस हमको थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, बिकॉज अभी तक हमारे क्लास से कोई दिखा नहीं है और एक मैं ही और सामी दिख रहे हैं आप. तो अपने एक फ्रेंड को फ़ोन लगा रहे हैं कि भाई आ रहे हो कि नहीं तुम, देखते हैं क्या सीन है. मतलब आई थिंक 3 साल बाद आ रहे हैं हम ऐसे प्रॉपर यूनी, तो इसे थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है, पर देखते हैं भाई अपना यूनी यार. तो गाइस फाइनली अपना एक क्लासमेट मिला फ्रॉम अबू धाबी दुबई. राइट सारे लोग हैं, आई डोंट नो व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर. तो गाइस अपने को ये मिल गई है ड्रेस और ये रही टोपी. तो भाई भाई जबूर आई नीड सम हेल्प ब्रो, हाउ टू वेयर दिस भाई. चीता उसने पहना है जैकेट है क्या? ये हां जैकेट है. तो होल्ड करो, होल्ड 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 दिस, होल्ड दिस फॉर मी ब्रो. आई विल बोरो फ्रॉम यू ब्रो दिस कोट, ओके, बिकॉज आई डोंट हैव द आईडी कार्ड एंड आई कांट टेक द कोट. अभी नहीं, अभी नहीं. When we were taking the photos, ले लो मुश्किल है. नहीं गंदी की जगह क्या, ये कैसे पहनते हैं इनको? हाँ ये देख जीप इधर ही है. ये सलवार कमीज नहीं पहनते हो? ये बोली सलवार कमीज औरत हो क्या तुम? ये तुरबान तुरबान जैसे तुरबान तरबन तरबन ये मालूम तो चल रहा है. लाइक दिस ये लेंस क्या झूल रहा है ये? देव ना मेरे को भाई एक किस्त दो मेरे को. ओके हाँ. अरे ड्राइवर लाइसेंस दियो. मेरे पास नहीं है ड्राइवर लाइसेंस. तो गाड़ी नहीं है तुम्हारे पास, बाइक नहीं है किधर? बाइक लाइसेंस दियो. कॉमेडी कर रहा है ये क्या है भाई? तो गाइस अपन हो गए खाली प्रिपेयर. चूतिया लग रहा है, कैसा लग रहा है देखो तो. ये तो लग रहा है चोटी आ गई भाई. चोटी भाई ये क्या है, ये क्या काटो इसको गाइस. ये पता नहीं ये क्या है, सो काटो यार. वी हैड इन मेड कोई बुलाया क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बिकॉज वी डिडंट सी एनीवन फ्रॉम आवर क्लास. बस भाई 3-4 लोग मिले हैं. चूतिए मैं नहीं पहन रहा, बाल खराब हो गया यार. पकड़ो बाल खराब हो गया यार. इसको देखो सबसे बकचोद आदमी यही हमारे क्लास का फ्रॉम अबू धाबी दुबई. कहाँ का है तू भाई? कहाँ का है भाई? दुबई दुबई. कहाँ का है तू? सऊदी का है, कुवैत का है, तू कहाँ का है भाई बता? दुबई दुबई. और हम लोग चर्च जा रहे थे नन नन. और भाई तो गाइस सामी के साथ सीन ही हो गया. इसके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे कोई. मैं ला सकता हूँ अभी भी यार, बता. सामी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, तो इसको जो टोंगा पोंगा जो भी बोलते हैं वो नहीं मिला. कोई बात नहीं यार, मिल जाएगा अगली बार, मिल जाएगा अगली बार, अगली बार, अगली बार मोदी सरकार. ये टोटी को आ गई. यहाँ पे लोग भाई फूल वगैरह लेके आए हैं. हमें चाहिए शैंपेन. सबूत कहाँ गया? मैं सबूत हमेशा गया था. डू यू हैव शैंपेन? तो गाइस ये है ऑडिटोरियम जहाँ पे हमारा ग्रेजुएशन हो रहा है फाइनली. भाई ऐसा देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है नहीं? पर हमें पता नहीं स्टेज पे बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे वो नहीं पता, पर अपन ब्लॉग जरूर करेंगे यार. ये फेरो ये बहुत बड़ा है. हाँ तो अपने टोपी पहन लिया, फील आ रही है थोड़ी प्रोफेशनल वाली. तो ये आईफोन है
परफेक्ट दिखने का थोड़ा गाइस, पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है, हमें भाई पुलिस बोल रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा है, हमें बैठ के ताली बजा रहे हैं। खुशी मनाओ, भाई का रिचार्ज हो गया। This very celebration today in the morning is also for the graduate of the curricula which have been led in English. The graduate of administration in international organizations. Pani magister Katarzyna Cian. So guys, अभी ये फाइनली सबका नाम लिया जा रहा है, नहीं और हमें भी शायद स्टेज पे जाना है, जब नाम आएगा तो सामी ब्लॉक कर देगा मेरे लिए, वो मैं जाऊँगा स्टेज पे, देखते हैं चिल्लाएंगे। अब उतना कुछ ब्लॉग नहीं कर पाए अंदर, बिकॉज बहुत भीड़ थी और हम भाई फोटो वगैरह ले रहे थे, वी हैव ग्रेजुएटेड और डिग्री यहाँ पे हमारे। हाँ तो गाइस, वैसे हम उतना कुछ ब्लॉग कर नहीं पाए बिकॉज भाई थोड़ा फोटो वगैरह ले रहे थे, फ्रेंड से बातें कर रहे थे, तो ये सीन था अंदर। और फाइनली ग्रेजुएट हो गए, डिग्री हाथ में है और यहाँ पोलैंड में खाली डिग्री एक पेपर थमा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी हम देखते हैं अंदर। मैं पूछ रहा था कि डिग्री कहाँ पे है भाई, तो डिग्री यही यहाँ पे जो मिली है भाई, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स भी आता है वो। हाँ तो वो सब मिलेगा अंदर टीम ऑफिस से अभी, ठीक है। यहाँ पे दिया क्यों नहीं अभी, पता है यहाँ पे इंडिया की तरह नहीं होता है भाई कि हम हार्ड कवर वगैरह देंगे, यहाँ पे बस आपने पकड़ा दिया एक पेज, आप ग्रेजुएट हो गए, जाओ घर जाओ बाय। क्यों ऐसे बोलते हैं? तो क्यों ऐसे बोलता है अरबी साला, देखो हिंदी बोलता है अरबी। तो यार थोड़ा फोटो लेने के बाद खुशी है यार, मतलब 3 साल का इस 3 साल एक पेपर के लिए, नॉट वर्थ इट गाइस, नॉट वर्थ इट, नॉट वर्थ गाइस। इफ यू आस्क मी लाइक व्हाट वाज माय रिव्यू ऑफ स्टडी हियर इंपोर्टेंट, सो इट वाज रियली नाइस, आई रियली एंजॉयड स्टडी इंपोर्टेंट, पर 3 साल एक पेपर के लिए यू कैन डू समथिंग एल्स, यू नो बी अ यूट्यूबर। यूट्यूबर कैसी खुशी हो रही है ना, इतनी खुशी हो रही है, जाने दो अंकल जी को पहले। तो मैं क्या बोल रहा था गाइस, इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है। हाउ वाज एक्सपीरियंस स्टडीइंग इन पोलैंड फॉर 3 इयर्स? आई वाज बैक टू होम। He is going back on next Tuesday, I think. You're going back to? For I come for this. And then you go and come to Poland? No, I will work. Really? Yeah. Bro. I'm throwing photo. Hey, photo, give, yaar. Le rahe na. Chalo. Yeah. Arey, ye kya karne yaar? Peko. तो गाइस ये थी ना, अभी हम थोड़ा फोटो वगैरह ले रहे हैं अपने इंस्टाग्राम के लिए, सो इफ यू गाइस वांट टू फॉलो इंस्टाग्राम, सो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, फॉलो करना भाई, फोटो लाइक करो यार, फोटो लाइक करो। 3 साल लगाए एक पेपर के लिए, तो फोटो तो लाइक करो यार। हाँ फोटो 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 फोटोग्राफ निकाल लिए हैं जो भी है ना, हमें अपने स्टूडेंट ऑफिस में, पहले ये रेंट पे जो लिए हैं ये कपड़ा इसको देने, फिर जाएंगे डीन ऑफिस, ठीक है। तो ये तो फिर प्लस हो गया गाइस। सो गाइस हम फाइनली सब कुछ हो गया हमारा, सेरेमनी वगैरह ग्रेजुएट हो गए, और अभी तक शैंपेन वगैरह खुली नहीं है, वो पार्टी किसी और दिन होगी, बिकॉज आज है रेगुलर वर्किंग डे, ऑफिस डे है भाई। अभी ऑफिस से हमने 3 घंटे का ऑफ लिया है, तो गाइस अभी हमको मिल रही है फाइनल हमारा डॉक्यूमेंट वगैरह, जो भी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह होती है मार्कशीट्स। तो गाइस पोलैंड डिग्री कुछ ऐसी मिलती है कॉलेज से, इस बिल्डिंग में हमारी क्लासेस वगैरह होती थी, फिर तो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर हुआ ख़त्म, फिर कोविड शुरू हो गया, तो फिर उसके बाद
ऑनलाइन स्टडी, नेवर गॉट द अपॉर्चुनिटी टू केम टू यूनी। फाइनली इस बिल्डिंग को बोलते हैं अलविदा, बाय बाय। यहाँ वेट करते थे बैठ के, और अभी हम जा रहे हैं फिलहाल वॉशरूम। बहुत कसके लगी है भाई, जब से सेरेमनी स्टार्ट हुई तभी से लगी थी मेरे को। बहुत रातें काटी है बाथरूम में, मतलब बहुत टाइम काटाया है इस बाथरूम में। हे गाइस, तो फाइनली हम फोटो वगैरह जितनी थी, मतलब पता नहीं 50-100 फोटो ले लेंगे मैं और सामी मिलके। अब हम चलते हैं सामी के घर, थोड़ा चाय वगैरह पीते हैं, फिर उसके बाद मेरे को निकलना है ऑफिस, और सामी भी ऑफिस ना। अब हमारे तो पेरेंट्स वगैरह यहाँ पे है नहीं, फैमिलीज है नहीं यहाँ पोलिश, मैं देख रहा हूँ यहाँ पोलिश लोग हैं, फैमिलीज हैं, फ्रेंड्स हैं। अब हमारा तो ऐसा कोई है नहीं गाइस, हम ही एक दूसरे के हैं यहाँ पे जो भी हैं। गलत मत समझना, वेरी स्पेशल मोमेंट राइट इन योर लाइफ भाई। ग्रेजुएट क्या हमें पता भी नहीं है, मास्टर्स या आगे कोई आए, कभी ना कभी आएंगे, वही तो बुलाएंगे पेरेंट्स को भी अपने यहाँ पे, और क्या नहीं, फिर फोटो खिंचाएंगे, वही तो ऐसे करेंगे विजिट वगैरह जो भी है। कहीं जा रही है अब तो, इंडिया ही जाना है 3-4 महीने में। तो फाइनली हम आ गए हैं सामी के घर, मस्त सामी चाय बनाता है, थोड़ा चाय पीते हैं, फिर मैं निकलूंगा यार, लॉग इन करना है आधे घंटे में। सब भाग गए ग्रेजुएट वाले, वही हुआ हमारे क्लास के, खत्म हुआ सेरेमनी, सब ऑफिस भागे अपने अपने, स्टूडेंट लाइफ खत्म हो गई। थोड़ी दुख भी हो रहा है, थोड़ी इमोशन ऐसे हो रही है, पर क्या ही कर सकते हैं, थोड़ा ठीक है, वही तो लाइफ है, चलती रहेगी, दुनिया है दौड़ती रहेगी। गाइस आई नो आई विल मेक अ प्रॉपर वीडियो अबाउट माय स्टडीइंग एक्सपीरियंस इन पोलैंड, लाइक ऑफ द 3 इयर्स फ्रॉम द स्क्रैच, मतलब कैसे शुरू हुआ, कैसे जो भी इन बिटवीन एग्जाम वगैरह जो भी है। अभी पिछले 1-2 महीने से इतना ग्रेजुएशन थीसिस बहुत कुछ चल रहा था, एग्जाम वगैरह डिफेंस जो भी ये सब होता है भाई, समझ रहे हो आप, तो आई होप यू कैन रिलेट। तो यही है, अब तो टाइम ही टाइम है, फिर अब करेंगे यार वीडियो बनाएंगे, काम ही क्या है, जॉब करना है, वीडियो बनाना है, पैसे छापने है। तो मिलते हैं इस वीडियो के लिए, इतना ही था, आई रियली होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग, छोटा सा व्लॉग था, और फिर कुछ भी कमेंट कर देना, और फिर बेल आइकन जरूर दबाना फॉर फ्यूचर अपडेट्स। ये व्लॉग जल्दी आएगा, टेंशन मत लो, जल्दी डाल दूंगा वीकेंड पे। और कुछ ऐसे पार्टी वगैरह, आफ्टर पार्टी जो भी, ग्रेजुएशन जो भी होता है पार्टी वगैरह, वो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा उसके लिए भी, तो टेंशन मत लो। इस वीडियो के लिए इतना ही था, मैंने दिखा दिया कैसे ग्रेजुएट होते हैं पोलैंड में। आई होप कि आप भी पोलैंड जल्दी आओ, आप भी ग्रेजुएट हो यहाँ से, एक यूरोपियन डिग्री मिलेगी, एक फायदा ही और कुछ फायदा दिखता नहीं है। प्लीज मिलते हैं भाई, चाय पीने दो, चाय 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 चाय। वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो भाई अब हो गई है शाम, मैं उसके बाद घर चला गया था सामी के घर से, एंड देन मैंने ऑफिस का काम वगैरह ख़त्म करा, और मैं फिर जा रहा हूँ सामी घर, बिकॉज वी आर प्लानिंग टू मेक अ शॉर्ट ट्रिप। और भाई कार वगैरह रेंट करेंगे, अपने पास तो अभी कार है नहीं फिलहाल। लुक एट दिस ब्यूटीफुल पार्क। ऐसे पोलैंड की मुझे एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है, यहाँ पे ऑलमोस्ट इन ऑल द सिटीज दे हैव दिस काइंड ऑफ लाइक बिग ह्यूज पार्क वेयर यू कैन टेक अ वॉक, मतलब शाम में आप थोड़ा निकल सकते हो भाई, थोड़ा चिल वगैरह करने और वॉक के लिए जो भी है विथ योर लव्ड वंस। ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आपको तो पता ही है क्या बोल रहा हूँ मैं, पर जो भी है मतलब इतने बड़े बड़े यहाँ पे पार्क होते हैं ना, आप देख रहे हो, अगर आप इसको इंडिया के लेवल पे जज करोगे तो ये शायद एक फॉरेस्ट है, मतलब मेरे लिए तो फॉरेस्ट है भाई, इतना बड़ा बड़ा पार्क है यहाँ पे, तो मतलब आप चलते जाओगे किलोमीटर किलोमीटर का पार्क है भाई यहाँ पे, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब ग्रीनरी वगैरह है, लॉट ऑफ फ्रेश एयर, तो आप काफ़ी हेल्दी रहते हो, समझ रहा हूँ मैं, तो ऐसे थोड़ा वेट बढ़ गया अभी, अब कम करने का टाइम आ गया गाइस। मतलब कितने प्यारे प्यारे घर हैं आप देखो, ऐसा सोचा यार देखो थोड़ा पार्टी वगैरह करने का तो ऐसा सीन हो नहीं पाया कि थोड़ा समझ रहे हो ना, पार्टी मतलब पार्टी पार्टी करें, तो ये हम सोचे यार थोड़ा थोड़ा ट्रिप मार लेते हैं एक, क्योंकि मेरा जो दूसरा फ्रेंड है आप उसको व्लॉग में देखोगे पहले सुबह सुबह, ही इज़ गोइंग बैक टू अबू धाबी, मतलब जहाँ का भी है वो, UAE सऊदी पता नहीं कहाँ का है भाई, तो अब वापस जा रहा है वो, एंड देन उसे मिलना हो नहीं पाएगा यार कभी, फिर पता नहीं कब मिलना होगा, तो इसलिए हमने सोचा मैं सामी और वो एक छोटा सा ट्रिप मार लेते हैं उसके साथ। वैसे हम एक भी ट्रिप नहीं गए, काफ़ी फनी बंदा है, आप तो देखे होगे व्लॉग में, मतलब व्लॉग में पता नहीं पता चला कि नहीं, बट इन पर्सन इज़ रियली फनी। अभी हो रहे हैं शाम के 6:16, यहाँ पे समर में अंधेरा होता है अराउंड 8-9 बजे, 9-10 बजे लाइक नाइट का, तो ये जितने बातें हम करते हैं, मैं आपको मिलता हूँ सीधे शाम के घर। लंगूर होता अच्छा आदमी।
हमारे साथ लंगूर है, आप बोलिए कुछ। लंगूर क्या, व्हाट यू मीन लंगूर भाई? लंगूर नहीं पता इसको क्या होता है ब्रो, ये तो उसमें गिरस मच नहीं भाई, थोड़ा आगे दिखाओ यार, आगे दिखाओ, पीछे मत दिखाओ, आगे दिखा रहे हो। अरे लंगूर भाई क्या कर रहे हैं आप? एंजॉयिंग द टाइम इन पोलैंड। अरे बे इधर ही लुक, ये लुक इधर ही लाइक, क्या हुआ? तुम्हें पॉपुलर कर रहा हूं भाई, तुम्हें पॉपुलैरिटी चाहिए ना हमेशा। ओ ये क्या था भाई? मर्सिडीज बेंज। सामने से कार नहीं आ सकती भाई, वन वे है। सही तो जा रहे हैं ना? डैम आ गया, डैम आ गया। चलो आराम से चलो, सामने से इंडिया वाली फीलिंग आ गई है। ऐसा लग रहा है माउंट क्या हो गया, गलत बस आ गया। नहीं नहीं, वन वे नहीं है, टू है भाई। कैसा टू है, कैसा है गाड़ी का स्पीड है? कौन लग रहा है भाई इधर? हॉर्न मार लो भाई इधर पेपर भाई, धीरे चलाओ, सामने से कोई आ जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इतने भी टीचर नहीं हो गए। हम आ गए हैं बिल्कुल एकदम जंगल पे, और यहाँ पे डैम है ना शायद। सो गाइस हमारे साथ अभी एक सीन ऐसा हुआ कि वी फाउंड अ फोन, मतलब एक फोन गिरा हुआ था हमारे कार के बाहर, हमने पार्क किया पीछे उधर उधर ही, फिर हमने उठाया फोन, आया तो बंदा वो बोल रहा है पोलिश में, लाइक ही वॉज पोलिश, एंड पोलिश में बोल रहा है कि आप वहीं पर रहिए पार्किंग के पास और मैं आता हूँ फोन लेने। तो ही सेंड इज गर्लफ्रेंड, तो जो भी थी वाइफ है वो फोन आई, सही था, उसमें वॉलेट था एक तरह का, उसमें पैसा भी था, पर हम भाई ईमानदार लोग हैं, हमने दे दिया वापस। मैं बोला यार क्या यार 200-300 लॉटी के लिए ईमान नहीं बेचना भाई। सबसे पहले खोलते क्या है? हाँ पता है, पता है मुझे, मैंने देखा तुम साले इंजॉय करने आए फोन चलाने। फोन पोस्ट करने है सामने हमारे, ये नॉर्वे दिस तरफ स्वीडन और ये डेनमार्क, और नॉर्वेजियन डॉग भी हमारे साथ। नॉर्वेजियन कुत्ता, हट जाओ भाई, सबको लगा मुंह तरह इधर का ही देखिए। नाम क्या है? काफी प्यारा व्यू है पर ना, जगह का नाम हमने नहीं देखा। सो गाइस हम उधर से पूरा चलते हुए आ रहे हैं और मस्त व्यू है। सो गाइस ये हम, ये हमारी कार और ये हमारा कुत्ता और ये पहाड़ी हो रही है। अभी मर जाते भाई। सामी हिस्ट्री बताओ इस जगह की। This dam was created in 1910 because of Hindi, the floods. Hindi. Flood. Dam flood के चक्कर में बनाया था 1910 में, यहाँ पे शहर रहते सब डूब गए। गाड़ी ले लिया। तो गाइस देखिए कितना मस्त व्यू इधर से। ये हाइड्रो, वो हाइड्रो पावर डैम है। कितना प्यारा व्यू है। तो सोचा थोड़ा ट्रिप मारते हैं साथ में, क्योंकि जबूर इज गोइंग बैक टू दुबई, राइट? Yes. बंदा सही है, चोरी छोड़ी करता है पर उतना चलता है यार। वाओ काफी जबूर मियां मर जाओगे भाई। मैं झकवा ऐसे नहीं, बहुत अभी वो देख मस्त लग रहा है ना, शहर दिख रहा है। yes. पता नहीं गाइस कैमरा में आपको दिख रहा है कि नहीं, टाइम तो छोटा हो गया, मतलब हम वैसे एकदम गोल्डन आवर पे आए, एकदम सही टाइम पे सनसेट होने वाला है, और ये पता नहीं क्या हाइड्रोलिक्स जो भी लगाए भाई ये सोलर कैमरा वगैरह, और मतलब सही है, व्यू काफ़ी अच्छा है, लाइक इट्स अ नाइस प्लेस टू कम फॉर जस्ट लाइक फ्यू आवर्स फ्रॉम रसवाफ। अच्छा तुम इसी कैंप फायर करोगे? देखो तार वार क्या क्या है ये सब। वाओ पोलैंड लग नहीं रहा है टू बी ऑनेस्ट। नहीं एक काम करो इधर इस कैमरे को, फोन चोरी कर लेते हम तो भाई, कहां जंगल में आ गए यार ये, काटे हैं भाई उधर, काटे भाई इधर गिरोगे ना तो कोई और उपाय नहीं है बचने का भाई, वापस चल ले भाई। चल
अब अंधेरा हो गया यार, मैं नहीं जा रहा वापस भी, कैसा लग रहा है इधर देखो। सो गाइस ये मतलब पता नहीं कहाँ सामी हमें लेके चल रहा है इधर जंगल में भाई, किधर आगे से लौट जाएंगे कहीं यार। सो गाइस फाइनली हमने इस प्लेस को बोलते हैं अलविदा, काफी मतलब एंजॉय किया। क्या हो क्या था वो क्या हो मतलब यहाँ से जाने का मन तो नहीं हो रहा है पर जाना पड़ेगा बिकॉज वी हैव टू गो टू ग्रोसरी। दाढ़ी वाली बेबी पैदा हुई है। अलविदा बोलते हैं भाई, मन तो नहीं हो रहा जाने का पर जाना पड़ेगा यार, वैसे अंधेरा हो गया काफी। हाँ यार अच्छा लग रहा है, मन नहीं हो रहा है जाएगा ना, थोड़ी देर और रुकेंगे ना तो शायद मुझे लगता है ऑरेंज हो जाएगा पूरा आगे। ऑरेंज ऑरेंज उतना टाइम नहीं है, अंधेरा हो गया है, गाड़ी चलानी है भी ठीक है। जकाच कपिल निश्की गई मतलब 4 साल में ग्रेजुएट हो गया यूनिवर्सिटी, पोलिश आज तक नहीं आई समझ में।